वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर जिसका नेम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था सेल चैप्टर को, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सेल कैसे डिवाइड होता है, सेल के डिवाइड होने से पहले कौन से इवेंट होते हैं, और सेल डिवीजन के कितने टाइप्स होते हैं, मीन्स माइटोसिस एंड मियोसिस को क्या करेंगे हम स्टडी करेंगे। बट पहले हम स्टार्ट करेंगे कुछ डिस्कवरी से, मीन्स सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन प्रोसेस में कई सारे साइंटिस्टों का कंट्रीब्यूशन है, पहले उनके बारे में हम पढ़ेंगे, फिर हम सेल साइकिल टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो देखो, एक साइंटिस्ट है प्रिवोस्ट एंड डूमस, जिन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था या डिस्क्राइब किया था सेल डिवीजन प्रोसेस। अब उन्होंने कहाँ से सेल डिवीजन प्रोसेस को डिस्क्राइब किया था, क्लीवेज ऑफ फर्टिलाइज एग ऑफ फ्रॉग, यानी फ्रॉग का जो फर्टिलाइज एग है उसमें जो क्लीवेज प्रोसेस चल रहा था, क्लीवेज प्रोसेस मतलब अर्ली सक्सेसिव डिवीजन ऑफ इम्ब्रियो, मीन्स इम्ब्रियो के पहले जो अर्ली सक्सेसिव डिवीजन हो रहा था, तो उसी डिवीजन प्रोसेस को उन्होंने क्या किया था, डेमोन्स्ट्रेट किया था। ठीक, दूसरा साइंटिस्ट है स्ट्रासबर्गर, ठीक है, उन्होंने क्या बोला, न्यू न्यूक्लियस एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस। उन्होंने बोला जो नया न्यूक्लियस फॉर्म होता है वो कहाँ से फॉर्म होता है, पुराने न्यूक्लियस से ही फॉर्म होता है। अब समझने के लिए आपको सेल चैप्टर में पढ़ाया गया था कि न्यू सेल आर एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सेम उसी मैनर में एक सेल है जिसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसी न्यूक्लियस से क्या होगा, न्यू न्यूक्लियस क्या होगा, फॉर्म होगा, यही बताया था स्ट्रासबर्गर ने। तो स्ट्रासबर्ग ने फर्स्टली ऑब्जर्व किया माइटोसिस प्रोसेस को, किसमें ऑब्जर्व किया था, प्लांट सेल में। माइटोसिस मतलब सेल डिवीजन का प्रोसेस है जिसमें एक सेल किसमें डिवाइड होती है, दो सेल में, ठीक है। तो स्ट्रासबर्गर ने फर्स्टली माइटोसिस प्रोसेस को किसमें देखा था, प्लांट सेल में। अब माइटोसिस प्रोसेस में क्या क्या होता है वो हम जब माइटोसिस अभी पढ़ेंगे तो वहां पर हम बताएंगे, ठीक है। दूसरे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है वॉन वेडन एंड फ्लेमिंग, जिन्होंने क्या डिस्कवर किया था, माइटोसिस को किसमें डिस्कवर किया था, एनिमल सेल में, किसमें डिस्कवर किया था, एनिमल सेल में। फर्दर अगर हम आगे बात करें, जो टर्म माइटोसिस है उसको क्वाइन किया था फ्लेमिंग ने, किसने किया था, फ्लेमिंग ने। और भी साइंटिस्ट हैं जैसे स्ट्रासबर्गर है, वॉन वेडन है, विन वेटर है, ब्रावर है, सर्टन है, जिन्होंने किसको स्टडी किया था, मियोसिस प्रोसेस को। तो मियोसिस भी क्या है, एक टाइप का सेल डिवीजन प्रोसेस है जिसमें एक सेल क्या होती है, पहले दो सेल में डिवाइड होती है फिर चार सेल में डिवाइड होती है। जब आप गैमेट डिवीजन में पढ़ोगे तो वहां मियोसिस को आपको बताया जाएगा। चलो आगे देखते हैं, जो टर्म मियोसिस है उसको फर्स्ट टाइम दिया था एक साइंटिस्ट फॉरमैन एंड मूरे ने। फॉरमैन एंड मूरे दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम टर्म दिया था क्या, मियोसिस, ठीक है। चलो ये पॉइंट का ध्यान रखेंगे, थोड़ा ज्यादा आईएमपी है। बोला है कुछ सब्सटेंस है जो करते क्या है, सेल डिवीजन प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट मतलब एनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। तो एज ए सब्सटेंस को हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, माइटोजन, क्या बोलते हैं उसको हम, माइटोजन। इन माइटोजन आर सब्सटेंस विच स्टिमुलेट सेल डिवीजन, ठीक है। अब कौन कौन से हैं, इस साइटोकाइनिन है जो सेल डिवीजन प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, दूसरे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जिसको हम बोलते हैं ईजीएफ, जो भी प्लांट में क्या करते हैं, सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करते हैं या एनिमल में सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करते हैं। फिर बात करें प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर जिसको हम बोलते हैं पीडीजीएफ, जो करते क्या है, सेल डिवीजन प्रोसेस को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। और एक है आपका लिम्फोकाइंस, एक तरह से आप इसको समझ सकते हो लिम्फोसाइट, जब इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे तो लिम्फोसाइट भी क्या करते हैं, सेल डिवीजन प्रोसेस को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। तो ये सारे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, माइटोजन। चलो आगे देखें, तो चलो कुछ अगर सब्सटेंस अगर सेल डिवीजन प्रोसेस को स्टिमुलेट कर रहे हैं तो कुछ ऐसे भी प्रेजेंट होंगे जो सेल डिवीजन प्रोसेस को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं।
अब वो कौन कौन से हैं? कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो करते क्या है, सेल डिवीजन प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, माइटोटिक पॉइजन। ये वेरी आईएमपी है, आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो माइटोटिक पॉइजन किसको बोलते हैं, तो सब्सटेंस विच इनहिबिट सेल डिवीजन इज कॉल्ड माइटोटिक पॉइजन। अब कौन कौन से है, जैसे साइनाइड है, एजाइड है, बोला है कैलोन्स है एंड कोल्चिसिन है, ठीक है। एक है आपके माइटोटिक पॉइजन है जो सेल डिवीजन प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं। पर आपको जो ज्यादा याद रखना हो, क्या याद रखना है, कोल्चिसिन को याद रखना है। साइनाइड भी है, ठीक है, बट कोल्चिसिन से आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, यही आपके ऑप्शन में भी आता है। तो कोल्चिसिन एक्चुअली है क्या, केमिकल ही है या टॉक्सिन है जो रिलीज कौन करता है, एक प्लांट है कोल्चिकम अटमनेल, ठीक है। इस प्लांट से क्या होता है, सब्सटेंस रिलीज होता है जो करता है क्या है, सेल डिवीजन प्रोसेस को इनहिबिट करता है। चलो आगे देखते हैं। अब बोला है कि किसी भी सेल डिवीजन प्रोसेस को स्टिमुलेट होने की कुछ क्राइटेरिया है, उसमें पहला क्या है, लो सरफेस वॉल्यूम रेशियो अगर किसी सेल का है तो सेल करता क्या है, डिवाइड करता है, या उसमें सेल डिवीजन प्रोसेस क्या होती है, स्टिमुलेट होती है। दूसरा न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, ये आपको सेल चैप्टर में बताया था, जिसको आपने पढ़ा था न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स, अगर ये भी डिटरमाइन करता है कि सेल डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें मेन टॉपिक स्टार्ट करना है सेल साइकिल, क्या पढ़ना है हमें, सेल साइकिल। इसको बताया किसने था, हार्वर्ड एंड लेक ने 1953 में। होता क्या है सेल साइकिल, बोला है इट इज इन्वॉल्व प्रोग्राम साइक्लिक चेंजेज इन सेल दैट लीड्स टू चेंज इन सेलुलर कंपोनेंट एंड अल्टीमेटली सेल डिवाइड टू फॉर्म टू सेल। बोला एक प्रोग्राम साइक्लिक चेंजेज है जो हर एक सेल में होता है, जिसमें होता क्या है, उसमें सेलुलर कंपोनेंट में चेंजिंग, सेलुलर कंपोनेंट में चेंजिंग मतलब ऑर्गेनेल डिप्लोइड होते हैं। आप बोल सकते हो कि न्यूक्लियस का साइज बढ़ता है, ऑर्गेनेल का साइज बढ़ता है, यानी उसमें चेंजिंग आती है सेल में। ओवरऑल या बोल सकते हो प्री मेच्योर सेल क्या होता है, मेच्योर हो जाता है और फर्दरली आगे जाके क्या करता है, वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो आप बोलते हो ना प्री मेच्योर सेल के मेच्योर होने तक का जो टाइम इवेंट है, उसी को हम एक तरह से टर्म क्या देते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। जब वो मेच्योर हो जाएगा तो फर्दर क्या करेगा, वो डिवाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखें तो बोला है द प्रोसेस इज जेनेटिकली कंट्रोल, ये प्रोसेस जीन के थ्रू रेगुलेट होता है। अब कौन कैसे रेगुलेट होता है, वो सेल जब साइकिल का रेगुलेशन पढ़ाया जाएगा तो वहां आपको बताया जाएगा। बोला है द ड्यूरेशन बिटवीन टू सेल साइकिल इज जनरेशन टाइम, बोला है जो दो सेल साइकिल के बीच का जो ड्यूरेशन होता है, टाइम इवेंट होता है, उसको हम बोलते हैं जनरेशन टाइम, ठीक है। तो मीन्स जैसे आप बोलते हो ना, एक टाइम पीरियड क्या है जिसमें एक सेल डबल हो जाता है, डबल इन द सेंस एक सेल से दो सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जनरेशन टाइम। अब जनरेशन टाइम से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल्स, पर न्यूमेरिकल्स सेल डिवीजन प्रोसेस से भी आते हैं, तो वो जब एक साथ ही न्यूमेरिकल का एक सेशन रखा जाएगा जिसमें जनरेशन टाइम और सेल माइटोसिस मियोसिस से कैसे न्यूमेरिकल आपको करना है वो उसमें आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। चलो पूरा सेल साइकिल इन्वॉल्व टू स्टेज, सेल साइकिल में दो स्टेज इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है स्टेज इंटरफेज, या दूसरे टर्म में उसको हम बोलते हैं आई फेज, या बोलते हैं इंटरमाइटोसिस, या बोलते हैं नॉन डिवाइडिंग फेज, मतलब इसमें सेल डिवाइड नहीं होता, बस उसकी ग्रोथ होती है। एंड एनर्जी फेज, एनर्जी फेज मतलब इसमें एनर्जी की नीड होती है, इसमें एनर्जी प्रोसेस ऑपरेट होता है जिसके सेल क्या होती है, सेल में ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। और जो सेकेंड स्टेज है उसको हम बोलते हैं एम फेज, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, एम फेज या माइटोटिक फेज। अब देखो एक डायग्राम है, तो यहां पे देखो यहां से लेके जो यहां तक का फेज है, ठीक है, इसको हम बोलते क्या है, इंटरफेज, ठीक है। देखो इंटरफेज में मेनली क्या हो रहा है, सेल की ग्रोथ होगी। अब देखो इंटरफेज फर्दर डिवाइड आगे भी हम पढ़ेंगे किसमें होता है, G1 फेज में, S फेज में एंड G2 फेज में, ठीक है। G0 फेज के बारे में बाद में बात करते हैं अभी, ठीक है। तो
तो इंटरफेज फर्दर डिवाइड किसमें करेगा, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज में। देखो यहाँ पे इस डायग्राम में कई सारे लिख रखे हैं कि इन सारे फेज में होता क्या क्या है, तो हम जब अभी पढ़ेंगे तो एक करके डायग्राम के थ्रू उसको समझेंगे। और दूसरा फेज जो क्या है उसको हम बोलते हैं M फेज। यहाँ पे क्या होती है, पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, फिर साइटोकाइनेसिस, मतलब पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, यानी इसमें क्या होता है पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है जिसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, फिर क्या होता है साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस में फिर हम आगे भी पढ़ेंगे, पहले प्रोफेज चलेगा, मेटाफेज चलेगा, एनाफेज चलेगा, टेलोफेज चलेगा। जब ये फेज कंप्लीट हो जाते हैं तो एक सेल में दो न्यूक्लियस दिखाई देते हैं, फिर क्या होगा साइटोकाइनेसिस चलेगा, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा और एक सेल कंप्लीटली किसमें चेंज हो जाएगा, दो सेल में। ठीक है, तो आगे देखते हैं। चलिए, इंटरफेज को क्या बोला है, इट इज लॉन्गेस्ट फेज, क्या होता है सबसे बड़ा फेज होता है, एंड इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री स्टेज। ये आगे जाके किसमें डिवाइड हो जाता है, थ्री सब फेज में या थ्री स्टेज में। इसमें पहला स्टेज क्या है आपका, G1 फेज। क्या है आपका, G1 फेज, किसका पार्ट है, इंटरफेज का। ठीक है, अब G1 फेज को हम दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट गैप फेज। क्या बोलते हैं इसको हम, फर्स्ट गैप फेज। दूसरा एक और भी उसको नाम देते हैं, बोलते हैं फर्स्ट ग्रोथ फेज। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट ग्रोथ फेज, या दूसरे टर्म में इसको हम क्या बोलते हैं, प्री सिंथेटिक फेज। क्या बोलते हैं इसको, प्री सिंथेटिक फेज। और एक लास्ट टर्म देते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट माइटोटिक फेज। क्या बोलते हैं, पोस्ट माइटोटिक फेज। चलिए डायग्राम के बेसिस पे देखते हैं, ये जो सारे नाम आपने बोला, देखिए इसी की बात कर रहे हैं। एक है आपका G1 फेज, G1 फेज को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ग्रोथ फेज। ठीक है, या दूसरे टर्म में इसको हम क्या बोलते हैं, देखो M फेज के बाद आ रहा है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, पोस्ट माइटोटिक फेज। दूसरा देखो सिंथेटिक फेज के पहले आ रहे थे, इसको हम क्या बोलेंगे, प्री सिंथेटिक फेज। ठीक है, चलो बोला है इट्स ड्यूरेशन इज 42% ऑफ टोटल टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, तो बोला है कि अगर इस सेल डिवीजन में, यानी सेल साइकिल को चलने में जितना भी टाइम लगता होगा, उसका 42 टाइम्स क्या होता है, अकेले G1 फेज के कंप्लीट होने में लगता है। ठीक है, जैसा हमने बोला कि सेल साइकिल के कंप्लीट होने में क्या है, 100% टाइम लग रहा है, तो उसका 42% अकेला किस में लगता है आपका, G1 फेज की कंप्लीट होने में। इसलिए बोलते हो सबसे इंटरफेज का सबसे लार्जेस्ट फेज कौन है आपका, G1 फेज। ये आपका G1 फेज। देखो बोला है इन दिस फेज सम चेंजेज अकर लाइक सिंथेसिस ऑफ RNA, प्रोटीन, एंजाइम फॉर DNA सिंथेसिस, अमाइनो एसिड फॉर स्टोन फॉर्मेशन। बोला इस फेज में कई सारे चेंजिंग होते हैं, क्या क्या होते हैं, पहला क्या होता है RNA की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, DNA की सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम होने चाहिए उसकी सिंथेसिस होती है, अमाइनो एसिड की सिंथेसिस होती है किसके लिए, हिस्टोन प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए, जो आगे जाके DNA को क्या करता है, क्वाइल करता है, उसमें सुपर क्वाइलिंग या क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो देखो यही आपका G1 फेज था, जिसको हमने क्या बोला, पोस्ट माइटोटिक फेज, यानी M फेज के बाद आया। अब इसमें RNA, प्रोटीन, एनर्जी फॉर्मेशन, ATP की सिंथेसिस होगी, न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस होगी, अमाइनो एसिड की सिंथेसिस होगी। ठीक है, न्यूक्लियस का क्या होता है, इसमें ग्रोथ होता है। ठीक है, तो यही सारे चेंजिंग क्या होते हैं, G1 फेज में होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, बोला है सम टाइम G1 फेज अरेस्टेड एट मिडल। कभी कभार क्या होता है, G1 फेज बीच में ही रुक जाता है, एंड द सेल अंडरगो डिफरेंशिएशन एंड इट इज कॉल्ड G0 फेज। कभी कभी क्या होता है कि माइटोटिक फेज जो आपने बोला M फेज से G1 फेज में इंटर होने के पहले ही क्या होता है, सेल अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट होने मतलब वो G1 फेज में नहीं पहुंचता। तो होता क्या है, वो डिफरेंशिएशन प्रोसेस में इन्वॉल्व, स्पेसिफिक जॉब या फंक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, डिवाइड मतलब बोल सकते हो उसमें G1 फेज में जाएगा तो
सारे सिंथेसिस वगैरह होंगे जो अभी आपने पढ़ा, आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए के लिए एंजाइम की सिंथेसिस, अमाइनो एसिड की सिंथेसिस, हिस्टोन प्रोटीन के लिए, ये तो तब होगा ना जब वो जीवन फेज में जाएगा। जीवन फेज के पहले क्या होता है, वो अरेस्ट हो गया। अरेस्ट होने का मतलब अब वो जीवन फेज में नहीं जाएगा तो वो रेस्टिंग कंडीशन में है, ठीक है, यानी वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन वगैरह करेगा। और जब सेल जीवन फेज में या G0 फेज में चला जाता है तो उस फेज को हम बोलते हैं, जैसे रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं या क्वासेंट फेज भी बोलते हैं, ठीक है, या एक कॉमन नेम इसका बोलते हैं हम लेजथा, ठीक है। वैसे ये टर्म नहीं आता आपके एग्जाम में, G0 फेज आप याद रखेंगे या क्वासेंट फेज याद रखेंगे या रेस्टिंग फेज याद रखेंगे, ठीक है, तीनों में से आप कुछ भी याद रखिए। बोला है कि अब कोई भी सेल G0 फेज में या क्वासेंट फेज में या रेस्टिंग फेज में कब जाएगा, बोला ये डिसाइड कौन करता है, बोला इसके लिए कुछ फैक्टर डिसाइड करते हैं। बोला द डिसाइडिंग फैक्टर आर एनर्जी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, मतलब हो सकता है कि सेल के पास प्रॉपर एनर्जी, प्रॉपर एटीपी वगैरह ना पहुंचे कि वो प्रॉपर वो ग्रोथ हो उसका हो पाया है, जो प्रॉपर अगर हम बोल सकते हो उसमें एटीपी नहीं है तो जीवन फेज में कैसे जाएगा। जीवन फेज में अगर नहीं जाएगा, जीवन फेज में तब जाएगा जैसे आप बोलते हो आरएनए सिंथेसिस करनी है, प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, हिस्टोन प्रोटीन की भी सिंथेसिस आगे करनी है, न्यूक्लियोटाइड का भी फॉर्मेशन करना है, तो अगर ये सब चीजें की एनर्जी क्रिएट होती है ना, तो बोला कि इसमें कुछ फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन है, पहला एनर्जी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है, जैसे आप एटीपी वगैरह आप बोल सकते हो, माइटोजन मतलब जो आपने बोला ना कि ऐसे सब्सटेंस जो किसी सेल साइकिल प्रोसेस को क्या करते, सेल डिवीजन प्रोसेस क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, तो माइटोजन भी हो सकते हैं। और इस पॉइंट को हम बोलते क्या है, चेक पॉइंट। चेक पॉइंट इन सेंस G0 फेज पे कोई सेल अगर है तो एक चेक पॉइंट है, पहले उसमें एक कंसीडर किया जाता है कि उसमें एटीपी वगैरह या बोल सकते एनर्जी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस या बोल सकते हो माइटोजेन प्रॉपर है, जिसके बेसिस पे वो क्या करेगा, वो जीवन फेज में जाएगा तो उसमें सारे सिंथेसिस वगैरह होगी, फिर वो फर्दर आगे जाएगा एस फेज में, फिर कहाँ जाएगा वो G2 फेज में, ठीक है। तो बोला है कि जो भी ये फैक्टर है, चाहे एनर्जी प्रोड्यूसिंग फैक्टर की आप बात करो या माइट्रोजन की बात करो, ये डिसाइड करते हैं सेल G0 फेज में होगा या G0 फेज के आगे क्या आएगा, वो G1 फेज में जाएगा। और ठीक है, और इसी को हम दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं, चेक पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेक पॉइंट। अब चेक पॉइंट क्या है, जब हम मैंने बोला ना अभी जब सेल साइकिल कंप्लीट कर लोगे तो आपको पढ़ाया जाएगा सेल साइकिल का रेगुलेशन, ठीक है, तो वहां पे चेक पॉइंट के बारे में आपको डिटेल बताया जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते, बोला है कि वंस ए सेल इज पास्ड फ्रॉम चेक पॉइंट, मतलब G0 फेज से एक बार अगर सेल पास हो गया, निकल गया आगे, ठीक है, तो कहां जाएगा, जीवन फेज में, ठीक है। तो दिस स्टेज इज कॉल्ड एंटीफेज या ब्लॉग, ठीक है। जब एक बार अगर सेल G0 स्टेज से क्रॉस हो गया या चेक पॉइंट से निकल गया, ठीक है, तो उसको हम बोलते क्या है, एंटीफेज। नाउ सेल विल डिवाइड इवन इन अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, अगर एक बार निकल गया तो उस वो क्या होगा, पूरा अपना सेल साइकिल को कंप्लीट करेगा, मतलब एम फेज तक कंप्लीट करेगा, चाहे भले उसके लिए कंडीशन कैसा हो, अनफेवरेबल ही क्यों ना हो, ठीक है। तो फिर फर्दर वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा आगे या क्या, बोला है कि जब साइज ऑफ सेल एंड न्यूक्लियस बिकम डबल इन G1 फेज, बोला जो सेल की साइज होती है और जो उसका न्यूक्लियस होता है वो G1 फेज में क्या होते हैं, डबल हो जाते हैं, यानी साइज उसकी क्या होती है, दुगनी बड़ी हो जाती है, ठीक है।